हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके इंतजार का अंत हुआ। क्रिस्टल मैजिक शो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज रात को होने वाले जादू के अद्भुत प्रयासों के लिए क्या आप सब तैयार हैं? अब एक पल की भी प्रतीक्षा किए बगैर हम आपके सामने पेश करते हैं हमारे नृत्य कलाकार और उसके बाद हम सबके चहेते जादूगर, जादूगर अजिंक्य। दोस्तों, अब आपके सामने मैं जो जादू करने जा रहा हूं, उसे ना ही पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी उसके बारे में सुना होगा। ये लड़की जो टेबल पर लेटी हुई है, उसे मैं हवा में उड़ाऊंगा और हवा में ही गायब कर दूंगा। था एक छोटा सा ट्रेलर, लेकिन असली कमाल मैं आपको कल दिखाऊंगा। टिल देन, गुड बाय। बंद करो ये सब। ए, चल, चल, ए, चल, कौन हो तुम लोग? नहीं जाऊंगी। देखो, तुम इसे इस तरह से जबरदस्ती नहीं ले सकते। अच्छा, हम इसे जबरदस्ती ले जाएंगे। क्या कर लेगा तू? देखो, बहुत बुरा हो जाएगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका एक और बार स्वागत है। जो है पटाखे ठीक उसी वक्त फूटने चाहिए जिस वक्त अजिंक्य सर ने कहा था, समझे ना? हाँ, नो, डोंट वरी। अजिंक्य सर 5 मिनट में स्टेज पर आएंगे। हाँ। अगले 2 मिनट में डांसर्स को स्टेज पर लेकर आ जाना। ओके। दोस्तों, तो अब अपने दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका वादा अजिंक्य सर ने आपसे कल किया था। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डांस और फिर जादू। लेट्स वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और शुरू होता है मेरा जादू। तो दोस्तों, अब मैं इस गाड़ी को उड़ाऊंगा। कैसे? ये देखिए, ये ऐसे। We'll be right back.
काफी गर्मी है, तो मैं अब कुछ देर गाड़ी की डिक्की की अंदर की ठंडक में मैं कुछ देर आराम कर लूं। और हाँ, मैं गाड़ी की डिक्की के अंदर तो जाऊंगा, लेकिन डिक्की से बाहर नहीं आऊंगा। बाहर आऊंगा मैं आप लोगों के बीच से। देखा आपने, इस कार से कोई भी तार जुड़ा हुआ नहीं है। अब मैं कार की डिक्की में जाता हूँ। अजिंक्य सर अभी तक ऑडियंस में क्यों नहीं है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। रुको, अभी उनका जादू खत्म नहीं हुआ। फटाके तो फूट गए, लेकिन अजिंक्य सर अभी तक आए क्यों नहीं? अर्णव, जल्दी से डिक्की खोलो। ओह माय गॉड, अजिंक्य सर कहाँ गए? बहुत सारा खून भी है इसमें, कुछ गड़बड़ है। सीआईडी को फोन मिलाना पड़ेगा। मयूर, इशिता, खून के सैंपल उठा लो और गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लो। पूर्वी, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। सर। बताओ, एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सर, ट्रिक ऐसी थी कि अजिंक्य सर खुद तो गाड़ी की डिक्की में बंद कर देंगे, और जब गाड़ी जमीन पर आकर गिरेगी तो उसके दो मिनट के अंदर अजिंक्य सर जनता के बीच आ जाएंगे। हाँ, मगर ये सब आप करते कैसे? ये कार को हवा में उड़ाना वगैरह वगैरह। सर, कार हवा में उन स्पीकर की वजह से उड़ती है जो स्टेज में है। सर, दरअसल उन स्पीकर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो हाई वोल्टेज करंट के साथ जुड़े हुए हैं। स्पीकर्स की वजह से कार हवा में उड़ गई। ड्यूअल मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कार हवा में रहती है। जो कि मैग्नेट की शक्ति से वो कार चारों तरफ से आकर्षित हो रही थी, इसलिए वो नीचे नहीं गिरी। हाँ जी सर, कार को लेफ्ट और राइट भी चुंबकीय शक्ति के दम पे ही किया। चलो, ये तो समझ में आ गया कि ये कार उड़ती कैसे, पर ये गाड़ी के अंदर जाने के बाद ये अजिंक्य गायब कैसे होता है? ऑडियंस के बीच कैसे पहुंचता है? सर, वो राज तो अजिंक्य सर ने हमें भी नहीं बताया, ना अंदर छिपने का ना बाहर निकलने का। हाँ सर, हमारा काम सिर्फ इतना था कि रिमोट से गाड़ी की डिक्की को बंद करना था। उसके बाद वो उसमें से बाहर कैसे आते हैं, ये उनके अलावा सिर्फ कार का इंजीनियर ही बता सकता है। दुष्यंत, जो गाड़ी को धक्का लगा। यहां से गायब हो जाता है। हाँ सर, अंदर खून और जूतों के निशान है।
हो सकता है जादू के दौरान अजिंक्य घायल हो गया और वो घायल हालत में नीचे चल रहा हो। सर ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सब ड्रामा है, शो फ्लॉप हो गया इसलिए भाग गया। सर हमसे लिया कर्जा वापस करने की नियत ही नहीं थी उसकी। अजिंक्य ने आप लोगों से कर्जा लिया था? मैडम वो भी छोटा मोटा कर्जा नहीं, पूरे 5 करोड़ रुपए। अच्छा जब अजिंक्य क्राउड के अंदर आने वाला था उस वक्त कुछ हुआ था? जी सर, उनकी एंट्री से पहले ही पटाखे चलने लगे। एंट्री से पहले? पर पटाखे तो अजिंक्य के एंट्री पे फटनी चाहिए थी, तो पहले कैसे फट गए? सर वो तो आपको जॉय ही बता सकता है, पटाखे चलाने इसकी जिम्मेदारी थी। अच्छा यू जॉय, तुम्हें पहले से पता था कि यह अजिंक्य गाड़ी से बाहर आने वाला नहीं? सर मुझे कैसे पता होगा सर, सब पटाखे तो मुझसे गलती से चल गए सर। बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है, एक ही वक्त पे तुम्हारी गलती और अजिंक्य का गायब हो जाना। खैर सवाल तो यह भी उठता है कि डिक्की के अंदर जाने के बाद अजिंक्य घायल हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि जब वो अंदर गया उस वक्त तक तो सही सलामत था। सर शायद इसीलिए अजिंक्य भाग गया, क्योंकि वो घायल हो गया था और अपनी ट्रिक पूरी नहीं कर पाता। नहीं दुष्यंत, कोई जादुई ट्रिक के बाद जादूगर को कुछ हो जाता है तो वो मैदान छोड़ के भागता नहीं। अजिंक्य को गायब किया गया है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अजिंक्य जैसा फेमस जादूगर अचानक गायब हो जाता। वही तो, और हमें मिला क्या? गाड़ी के डिक्की में खून और जूते के निशान। सर मुझे तो लगता है कि अजिंक्य ने अपने आप को खुद ही गायब करवाया सर, करोड़ों रुपए के कर्जे से बचने के लिए। सर भाग कर जाएगा कहां? अरे फेमस चेहरा है, बच्चा बच्चा जानता है उसे। और सर वो खून नकली भी तो नहीं हो सकता ना, उसे चोट तो वाकई लगी होगी। वही तो। रे हॉस्पिटल और क्लिनिक से पता किया अजिंक्य के बारे में? हॉस्पिटल्स में, होटल्स और गेस्ट हाउस में हर जगह पर अजिंक्य की फोटो भिजवाई है, मगर अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं मिली है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अजिंक्य वाकई किसी मुसीबत में हो? हो सकता है एक्ट के बीच ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। किडनैप कर लिया? ऐसा काम तो कोई वो आदमी कर सकता है जो अजिंक्य के आसपास का ही है, जो अजिंक्य के जादू के बारे में अच्छी तरह से जानता है। रुक 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 इधर रुक, देख मेरा घर आ गया। घर आ गया। लाश, लाश, कालाश, वो देख, लाश, 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 लाश को नीचे उतारो। इधर खड़ा रहो। तुम दोनों ने किसी और को भी देखा था यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं आया सर, और हम दोनों भी सर इधर नहीं रहते सर, वो तो नशे की वजह से अपना ही घर नहीं पहचान पाए। दारू की कितनी बदबू आ रही है तुम दोनों से, दारू पी के आ रहे हो या ना के आ रहे हो? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई? एक तो शराब पी के गाड़ी चलाते हो, किसी को गाड़ी के नीचे कुचल देता तो। पंकज लाइसेंस कैंसिल कराओ इनके। सर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अजिंक्य को यहाँ पर आके क्यों मारा? और ये लिख दिया दुनिया का सबसे महान जादूगर। सर आसपास वाले कह रहे थे कि ये घर काफी समय से खाली है, कोई रहता नहीं है इसमें। कोई तो खास वजह है जो खूनी अजिंक्य को यहाँ इसी घर के बाहर छोड़ के गया। इन दोनों को जाने दो। सर इन मुजरिमों के हौसले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले लाश को छुपाया जाता था जंगल में, जमीन में, दीवार में, मगर ये देखिए लाश को खुले में लटकाया गया है, कोई भी आता जाता देख सकता है। हाँ पूर्वी, और वो भी लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि मशहूर जादूगर अजिंक्य की। लगता है किसी ने एक ही झटके में नस काट के मार डाला है। हाँ सर, मारने वाले को पता है कौन सी नस काटनी है, इन्होंने जूते भी नहीं पहने। इसका मतलब ये है कि
जो जूतों के निशान हमें वहां मिले थे वो अजिंक्या के नहीं थे। खूनी अजिंक्या के जूते पहनकर वहां से गया था, शायद हमें गुमराह करने के इरादे से। सर, सर हम तो सोच रहे थे कि कर्जे से बचने के लिए अजिंक्या भागा, मगर वो तो बेचारा खुद ही मारा गया। श्रेया सोचो जरा, जिस ढंग से अजिंक्य को खूनी ने मारा और फिर उसकी लाश को उस घर के सामने डाल दिया, उससे तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई खास वजह है उसके खून के पीछे, है ना? यस सर। उस घर के बारे में कुछ पता चला? सर फ्रेडी सर गए हैं पता लगाने। हाँ काविन, क्या हुआ? जगह से ज्यादा ये छुटपुट सामान मिला है, ऐसा लगता है उसके जादू का सामान। और किसी के छुपने की ज्यादा जगह नहीं है, बस इतनी जगह है। छुपने के लिए कोई ना कोई तो खुफिया जगह होगी, होगी जरूर होगी। जादूगर अजिंक्य के वर्कशॉप में से हमें कुछ स्केचेस मिले थे, चाबियों के और लॉक्स के, वो जरा लेकर आओ। सर, सर वो डिक्की के अंदर का लॉक बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हाँ काविन, यही है वो। और इस ताले की चाबी अजिंक्य के पास होगी जब अजिंक्य उस डिक्की में बैठा था। सर हो सकता है उस ताले के पीछे कोई खुफिया रास्ता हो जिससे बाहर निकला जा सके। बिल्कुल, जरूर कोई वेंट होगा, मगर अब इस ताले की चाबी उस खूनी के पास होगी। अजिंक्य को मारा और भाग गया। हेलो, हाँ थैंक यू सर, उस मैजिक शो का वीडियो फुटेज आ गया है। तो फिर चलो वीडियो फुटेज देखते हैं। करो, अब रिवाइंड करो, प्ले करो। बस पॉज करो। जैसे अजिंक्य गायब हुआ वहां आसपास के जितने भी लोग थे सब परेशान दिख रहे थे, लेकिन ये दोनों, ये लड़का और लड़की, ये दोनों उठकर चले गए वहां से जैसे अजिंक्य गायब हुआ, है ना? Yes, sir. यहीं पे कुछ गड़बड़ है। कौन ये दोनों, पता लगाना पड़ेगा इस लड़का लड़की का। सर, जिस बंगले में अजिंक्य की लाश मिली थी वो बंगला किसी रजनी नाम की औरत का है, फिलहाल वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चल रही है, कोर्ट कचहरी का मामला है इसलिए वहां पे कोई नहीं रहता। रजनी? सर, जो कुछ भी हुआ है हुआ तो यहीं से, लेकिन कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर हो सकता है उस लड़की और लड़के का हाथ हो अजिंक्या के गायब होने में, इसलिए वो लोग यहाँ से गायब हो गए। हो सकता है, लेकिन यही तो इस तरह से यहाँ से निकले, सवाल तो करना ही पड़ेगा उनसे। हेलो सर, आई एम भास्कर। उस रात को मैजिक शो की सारी बुकिंग मैंने की थी सर। अच्छा, फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि ये लड़की कौन है। ये वही लड़की है जो उस रात अजिंक्या की शो देखने आई थी और बाद में गायब हुई। सर ये तो डांसर प्रिशिता है, अजिंक्य सर के साथ ही काम करती है। अजिंक्य के साथ काम करती है? जी हाँ, मगर उस रात ये परफॉर्म नहीं कर रही थी सर। और ये लड़का? ये तो मोहित है सर, जब भी अजिंक्य सर का शो होता है ये जरूर देखने आता है। इसका मोबाइल बंद आ रहा है सर।
फोन बंद आ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ये देखिए दो कचार। नहीं हो रहा है यार, शो में बस 3 दिन बचे। अगर हमने वहां ऐसे जादू दिखाए ना, लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। सर, अजिन के सर का खूनी पकड़ा गया क्या? जी नहीं, और बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। जानते हैं सेनवलप में क्या है? क्या है सर? लिफाफा खोल के देखो। था ना कि तुम लोगों को इस कार के जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर इस कार के सीक्रेट कंपार्टमेंट के अंदर ये जो चाबी के स्केचेस थे वो यहां तुम्हारे इस वर्कशॉप में कहां से आते हैं बताओ? सर, ऐसे ताले और चाबी तो जॉय बनाता था जिनके सर के लिए। आगने की गंदी कोशिश मत करना समझे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने अजय के सर को नहीं मारा सर। सर मैं तो वही किया जो मुझे उस आदमी ने करने को कहा सर। कौन था वो आदमी? सर मैं नहीं जानता। मैरी शो वाली शाम को एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया था, उसने मुझे कहा कि गलत वक्त पर पटाखे चला देना ताकि अजय के सर का शो बिगड़ जाए। इस काम के लिए उसने मेरे ड्रॉन में 1.5 लाख रुपए भी छोड़ दिए थे सर। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका इरादा अजय के सर को मारना था, ना कि उनके शो को खराब करना। मैं ही जिम्मेदार हूँ अजय के सर की मौत का, मुझे प्लीज माफ कर दो। वो चाबी भी तुमने ही बनाई होगी है ना? हाँ सर, अक्सर मैं उनके लिए चाबियां बनाया करता था, पर मुझे नहीं पता कि वो चाबी कब और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इस बार तुम और एक चाबी बनाओगे हमारे लिए। सर मुझे तो लगता है इस प्रशिता का केस के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है। वैसे भी मोहित का इसमें कुछ था तो नहीं, बचिए प्रशिता। चलिए क्या बस, आप पीछे से जाओ। सीएडी बोल, क्यों मारना चाहते थे प्रशिता को? मैं बताती हूँ सर, अजिंक्य मेरे कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन सीनियर था वो मेरा, और मुझसे अच्छा जादू नहीं आता था उसको। सारी मेहनत मेरी होती थी और नाम उसका होता था, इसलिए मैंने कहा मुझे अब और काम नहीं करना है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अकल बड़ी है भैंस। मैंने तुम लोगों को प्रशिता को लाने के लिए भेजा था, खून खराबा करने के लिए नहीं। देखिए प्रशिता आपके साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? पूरे 5 साल इन्वेस्ट किया है मैंने इसे गुड़ सिखाने में, ये कभी भी उठ के टाटा बाय बाय करके चली जाएगी और मैं देखता रहूं। अगर मैं नहीं आई तो जान ले लोगे मेरी? तुम्हें कैसे मार सकता हूं मैं? हाँ, किसी करीबी को मौत का डर ज्यादा सताता है। अब रोना धोना बहुत हो गया, मेरी थोड़ी मदद करो। क्या है कि एक कार को जमीन से हवा में उड़ाना है, और तुम्हारे सिवा ये कौन कर सकता है ना? चलो। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ो। हम समझते हैं तुम्हारी बात को, लेकिन ये बताओ कि उस मैजिक शो में जब अजिंक्य गायब हुआ तो तुम वहां से चली क्यों गई?
इसमें मेरा काम कुछ बचा ही नहीं था। अजिंक्य ने सिर्फ मुझे इसलिए रोका था ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे सॉल्व कर लूं। और उस दिन उसका शो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और मैं बहुत घबरा गई थी कि वो मुझे मार डालेगा। ये अजिंक्य तो मर चुका है, तो फिर तुम दोनों को किसने भेजा था प्रीशिता को मारने के लिए? सर, ढोला कुर्की ने। सर, ये तो वो मुखी है जो गैर कानूनी रेसेस पे सट्टा खेलता है। ढोला कुर्की। जिससे गाड़ी की डिक्की खुलती है, ये रहा रिमोट। ये लो, अब हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे अजिंक्य ने किया था। कविन, अंदर का एक एक इंच चेक करो, एक एक इंच देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। घुस जाओ। छिपाई थी अजिंक्या की लाश। ये क्या? इतना लंबा बाल? सर, बिल्कुल ठीक हो। बस अंदर सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। सर, गाड़ी की डिक्की में दो लोगों की छिपने की जगह है, ऊपर और नीचे। हाँ सर, एक और बात, ये लंबा सा बाल मिला है। बस इसका डीएनए कराओ, पता चल जाएगा किसका बाल है। वो काले जैकेट वाला ही ढोला कुर्की, इसी ने हमें पिशिता को मारने के लिए सुपारी दी। तुम्हें जो समझाया गया है बिल्कुल वही करना, कोई होशियारी नहीं। जाओ। भाई, वो पिशिता को हम मार नहीं पाए। नहीं मार पाए मतलब? तुम लोगों से एक काम कहा था वो भी नहीं कर पाए। मैं बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुना सर आपने, बॉस का भी बॉस? इसका मतलब ये सिर्फ अजिंक्या के मर्डर का केस नहीं है शेर, बल्कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। रजनी जी, उन्नति नगर में आपका जो बंगला है जिसको लेकर कोर्ट में केस चालू है जी, उस बंगले में हमें एक लाश मिली है। लाश मिली है? जी हाँ। किसकी लाश? जादूगर अजिंक्या। क्या अजिंक्य मर गया? आप अजिंक्य को जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कैसे? मेरे पति शशांक बहुत बड़े जादूगर थे, अजिंक्य उनका शिष्य था। सारा जादू शशांक ने ही अजिंक्य को सिखाया था, लेकिन बदले में उसने क्या दिया? उन्हें ऐसी गुरु दक्षिणा दे दी कि दुनिया का इस पवित्र रिश्ते पर से विश्वास उठ जाएगा। क्यों, ऐसा क्या किया था अजिंक्य ने? अजिंक्य ने मेरे पति को पैरालाइज किया, इस लायक भी नहीं छोड़ा कि घर में चल फिर सके। फिर उन्हें धीमा जहर दे दिया, धीरे धीरे उन्हें मार दिया।
पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में जो अजिंक्य ने ऐसा किया? आज तक इसकी वजह पता नहीं चली सर। तो फिर रजनी जी, बिना वजह आपने अजिंक्य को क्यों मारा? मैंने अजिंक्य का खून नहीं किया है। आपने खून नहीं किया तो किसने किया? मुझे क्या मालूम, अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं 10 साल इंतजार क्यों करती और मार कर उसकी लाश हमारे बंगले में क्यों छोड़ती? चलो रजनी जी, मान लिया कि आपने अजिंक्य को नहीं मारा, वो बताइए ऐसा कौन हो सकता है जो ये सारी बातें जानता था? कौन हो सकता है जिसने ये किया? और फिर वो कौन है जिसे आपके पति की मौत से सबसे ज्यादा फायदा हो, बताइए? किसी को तो बताया होगा आपने, ये सारी बातें किसी को तो बताई होगी, पर याद कीजिए अच्छी तरह से, सोचिए। हाँ, कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट आई थी, वो शशांक पर लेख लिखना चाहती थी। लेडी जर्नलिस्ट? क्या नाम था इस लेडी जर्नलिस्ट का? नंदिता यहाँ से डांस करती हुई आएगी और तुम दोनों के ऊपर पर्दा डाल देगी, तब तक मैं ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच के रखूंगा। उस दौरान तुम दोनों इन होल्स में से निकल जाना, समझ गए ना? हाँ, ये तो समझ में आ गया, मगर होल्स को ढकेंगे कैसे? लुकआउट के लिए खेद है, मगर आपके जादू से संबंधित कुछ सुझाव सीआईडी के पास भी। कैसा सुझाव? क्यों ना इस बार नंदिता को गायब किया जाए। मैं क्यों? मैंने क्या किया है? अजिंक्य के कार के डिक्की से जो बाल मिला था, डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो बाल आप ही का है। क्या? नहीं सर, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम शशांक की बीवी के पास जर्नलिस्ट बन के गई थी, बोलो गई थी या नहीं? नहीं था। क्या सच है? हाँ है, ये सब सच है। मैंने ही चुराए थे शशांक के सीक्रेट्स ताकि मैं एक महान जादूगर बन सकूं, और अजिंक्य को मैंने ही मारा है उसकी कार की डिक्की में छिप के। कहा था कि अजिंक्य के लाश को कार की वेंट में ही छोड़ दो। कहा गया था? किसने कहा था? उसी ने, जिसने मुझे मजबूर किया था अजिंक्य का खून करने के लिए। मजबूर? किसने मजबूर किया था तुम्हें? कौन है? तुम्हारी मौत, तो जरा हिलना डुलना बंद करो वरना यही खत्म कर दूंगा। अगर अब तुम जिंदा रहना चाहती हो तो किसी को मत बोलना कि तुमने यहाँ क्या देखा है, वरना तुम्हारी छोटी बहन सुष्मिता अपनी जान से जाएगी। मेरी बहन को कुछ मत करो। तो फिर मेरी बात मान लो। जो काम मैं यहाँ करने आया था वो बहन के खातिर तुम वही काम करोगी। मतलब असली मुजरिम कोई ऐसा आदमी है जो अजिंक्य के वर्कशॉप में आसानी से घुस सकता था,
कार के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। चेहरा देखा था उसका? नहीं। और आवाज भी नहीं पहचान पाई? नहीं सर, मैं बहुत घबरा गई थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। जो कोई भी है उसने भुकी के बॉस को प्रशिता का खून करने के लिए मना कैसे किया? मेरी बहन अभी भी उनके कब्जे में है सर। रोज किसी अननोन नंबर से कॉल करके मुझे धमकी देते कि जब तक सीआईडी इस केस से हट नहीं जाएगी वो मेरी बहन को आजाद नहीं करेंगे सर। घबराओ मत, हम तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। तो तुम लोग रेस नहीं करना चाहते हो? नहीं करना चाहते। तुम लोगों का फाइनल है कि तुम लोगों को नहीं करना है? हाँ, फाइनल है, नहीं करना है। बाय। हाँ बोलो। हाय, रेसर्स मना कर रहे हैं, वो नहीं चलाना चाहते। क्या? उन लोगों का फाइनल है, उन लोगों को नहीं करना है। अरे आखिरी मिनट पे रेसर पीछे हट जाएंगे, उनकी वजह से जो हमारा नुकसान होगा क्या उनका मामा आके भरेगा? अबे मेरा बॉस मुझे गोली मार देगा। हम जलाएं। अरे घबराओ मत, रेसिंग को हम भी कर सकते हैं। पहले कभी चलाई है? अब स्पेन, जर्मनी, इटली वहां पे तो गाड़ी चलाई है, यहाँ इंडिया में मौका ढूंढ रहे हैं। भाई विदेशी कबूतर है, मैं तो कहता हूँ लगा देते हैं इन पे पैसे। ठीक है, तुम लोग जाके गाड़ी चेक कर लो, मैं बॉस को बता देता हूँ। Let's go। और तुम लोग जाके बैटिंग देखो। देखना ये डॉला का बॉस कैसे भागा भागा आता है। क्या हुआ, फोन क्यों कर रहे हो? वो बॉस को सर। कहीं यही बॉस तो नहीं उसका? और ये नए लोग कौन है? सर अभी पता चल जाएगा ये नमूना है कौन। नो मैन नॉट एट ऑल। अरे तुम्हारी गाड़ी है, क्या बोलते हैं ये लोग, बहुत ही ज्यादा खटारा हालत में है यार। ए हीरो, खबरदार जो हमारी गाड़ी को खटारा कहा तो। अरे हमारे खास इंजीनियर ने इन गाड़ियों को मॉडिफाई किया है, ये लो आ गया। रॉय भाई, अरे सीआईडी की गाड़ी भी थोड़ी मॉडिफाई कर दे। सीआईडी? अरे देख क्या रहे हो, उठा लो इनको। कहाँ कर रहे हो? सीआईडी की मेहमानदारी नहीं करो, चलो चलो। शशांक अंकल की मौत का बदला लेने के लिए किया, मुझे रात को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया। इसलिए अजिंक्य को मारकर शशांक के पुराने घर के दीवार पर उसे टंगा दिया ताकि नंदिता फंस जाए? हाँ सर, उसकी बहन मेरे कब्जे में है, उसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया। विक्रम, इसके घर जाओ, नंदिता की बहन को लेकर आओ। और इस प्रशिता को क्यों मारना चाहते थे तुम? सर मैंने सोचा अजंकी और प्रशिता को मारने के बाद मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जादूगर बन जाऊंगा। तुम अब इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जादूगर तो कभी नहीं बन सकते। हाँ, जब तुम्हारी गर्दन फांसी के फंदे पे होगी उस वक्त अगर तुम कोई जादू करके दिखाओ तो दुनिया जाने। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.